सस्ती गैस देने में मदद मिल रही है। इससे यहां उग लगाना आसान हो रहा है। साथियों, हम यहां आत्मनिर्भर भारत से जुड़े एक और ऐतिहासिक पल के साक्षी बने हैं। कर्नाटका में केजी बसिन के तेल कुओं से तेल का उत्पादन शुरू हो चुका है। विदेशों से कच्चे तेल के आयात पर हमारी निर्भरता कम। साथियों, राष्ट्रहित और जनहित के लिए समर्पित मजबूत सरकार ऐसे ही फैसले लेती है। जब परिवार हित और वो बंदी सरकारें होती है तो वो क्या करे, ये बिहार ने बहुत भुगता है। 2005 से पहले के हालात होते तो बिहार में हजारों करोड़ की ऐसी परियोजनाओं के बारे में घोषणा करने से पहले 100 बार था। सड़क, बिजली, पानी, रेलवे की क्या स्थिति थी, ये मुझे ज्यादा आप जानते हैं। 2004 पहले के 10 वर्षों में रेलवे के पर रेल के संसाधनों कैसे लूटा गया, ये पूरा बिहार जाना है। लेकिन आज देखिए, पूरी दुनिया में भारतीय रेल आधुनिकरण की चर्चा हो रही है। भारतीय का तेजी से बिजलीकरण हो रहा है। हमारे रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट की तरह सुविधा वाले बन रहे हैं। साथियों, बिहार ने दशकों तक परिवारवाद का नुकसान देखा है, परिवारवाद का दंश सहा है। परिवारवाद और सामाजिक न्याय ये एक दूसरे के घोर विरोधी है। परिवारवाद विशेष रूप से नौजवानों का, प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन है। यही बिहार है जिसके पास भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की एक समृद्ध विरासत है। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार इसी विरासत को आगे बढ़ा रही है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी कांग्रेस की घोर परिवारवादी कुरीति है। आरजेडी कांग्रेस के लोग अपने परिवारवाद और भ्रष्टाचार को उचित ठहराने के लिए दलित, वंचित, पिछड़ों को ढाल बनाते हैं। ये सामाजिक न्याय नहीं बल्कि समाज के साथ विश्वासघात है। ये सामाजिक न्याय नहीं, समाज के साथ विश्वासघात है। वरना क्या है कि सिर्फ एक परिवार का सशक्तिकरण हुआ और समाज के बाकी परिवार पीछे रह गए। किस तरह यह एक परिवार के लिए युवाओं को
नौकरी के नाम पर उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया, ये भी देश ने देखा है। साथियों, सच्चा सामाजिक न्याय सेचुरेशन से आता है। सच्चा सामाजिक न्याय तुष्टिकरण से नहीं, संतुष्टिकरण से आता है। मोदी ऐसे ही सामाजिक न्याय, ऐसे ही सेक्युलरिज्म को मानता है। जब मुफ्त राशन हर लाभार्थी तक पहुंचता है, जब हर गरीब लाभार्थी को पक्का घर मिलता है, जब हर बहन को गैस, पानी का नल, घर में टॉयलेट मिलता है, जब गरीब से गरीब को भी अच्छा मुफ्त इलाज मिलता है, जब लाभार्थी के बैंक खाते में सम्मान निधि आती है, तब सैचुरेशन होता है। और यही सच्चा सामाजिक न्याय है। बीते 10 वर्षों में मोदी की ये गारंटी जिन जिन परिवारों तक पहुंची है, उनमें से सबसे अधिक दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, वही मेरे परिवार ही हैं। साथियों, हमारे लिए सामाजिक न्याय नारी शक्ति को ताकत देने का है। बीते 10 सालों में 1 करोड़ बहनों को, मेरी बहनें इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने आई है, उसमें 1 करोड़ बहनों को हम लखपति दीदी बना चुके हैं। मुझे खुशी है इसमें बिहार की वो बहनें हैं जो अब लखपति दीदी। और मोदी ने 3 आंकड़ा, सुनिए जरा, याद रखना, लखपति दीदी बनाने की, हाल में हमने बिजली का बिल 0 करने और बिजली से कमाई करने की भी योजना शुरू की है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इससे बिहार के भी अनेक परिवारों को फायदा होने वाला है। बिहार की एनडीए सरकार भी बिहार के युवा, किसान, कामगार, महिला सबके लिए निरंतर काम कर रही है। डबल इंजन के डबल प्रयासों से बिहार विकसित होके रहेगा। आज इतना बड़ा विकास का उत्सव हम मना रहे हैं और आप इतनी बड़ी तादाद में विकास के रास्ते को मजबूत कर रहे हैं, आपका आभारी हूं। एक बार फिर आप सभी को विकास की हजारों करोड़ की इन परियोजनाओं के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें आई हैं, उनको विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की,
दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।